प्रणाम, मैं हूं गणेश वरकर और आप देख रहे जीएस टीवी चैनल। आज भी आर्यन खान को बेल नहीं मिली, आज भी बेल नहीं मिली। नए वकील बुलाए लंदन से, सतीश मानशिंदे और वो सब भी एनसीबी की तरफ लगे। समीर वानखेड़े जी के ऊपर एलिगेशन कर रहे, व्हाट्सएप चैट को एक जरिया बना के पूरे लोगों का एक ही लॉ सबके ऊपर अप्लाई किया, जिसके साथ ड्रग्स मिले या ना मिले, व्हाट्सएप चैट पे सबके ऊपर एक धारा लगा के उनको या तो सबको बेल मिलेगी या तो नहीं मिलेगी, ये बोल के आज भी बेल खारिज की गई है। कल वापस से खारिज की, मतलब आज बेल नहीं हुई, कल वापस से 2:30 बजे हाईकोर्ट में वापस से सुनवाई स्टार्ट होगी। अब क्या रिजल्ट निकलता है और कितने दिन आर्यन खान अंदर रहता है, ये तो भगवान ही जानता है या तो फिर जनता, क्या कोर्ट जानती है। जनता बस वेट कर रही है कोई से कोई फैसला है, या तो बेल मिले या जेल मिले। सिर्फ इस बीच में कश्मकश में पूरा महीना निकलते जा रहा है। पीछे इस महीने की 2 अक्टूबर को अंदर हुए थे, उसके बाद 7 अक्टूबर के बाद जेल में गए थे, उसके बाद वन बाय वन कोर्ट की हायरिंग कभी कैंसिल होती है, कभी एएससी के लॉयर जो है एनसीबी की तरफ से अपॉइंटेड है वो कभी लेट आते हैं, ये सब करते करते फिर वहाँ सेशन कोर्ट में कैंसिल होती है, बेल हाई कोर्ट में जाते हैं और आज फिर से बेल नहीं होती है। कल वापस 2:30 बजे स्टार्ट होता है। अब ये कब तक चलेगा ऐसा माहौल कोई नहीं जानता, कितने दिन और रहेगा कोई नहीं जानता। समीर वानखेड़े जी को जो इलेक्शन लगा है वो तैयार हो गए खड़े रहने के लिए, हमें जवाब देने को तैयार। अब ये कब तक चलेगा, कब तक नहीं चलेगा, देखते रहिए। आप बने रहिए मेरे साथ, मैं जल्दी ही वापस लेटेस्ट खबर दूंगा।